हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और ये सारी चीजें। तो अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दो, फिर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ओके, राजकुमार, अमन, मंटू, ठीक है। अभिषेक, सुमित, ठीक है, ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया सबने। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखा था वो तो क्लियर होगा सबको। बेसिक्स, बेसिक्स में भी हमने क्या देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सीखते हैं, राइट। और डिजिटल मार्केटिंग में ही हम लोगों ने एक देखा था, वो था आपका एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। और जो हमारा पहला मॉड्यूल है वो हमारा रहेगा एसईओ प्लस वर्डप्रेस। ऐसा क्यों? देखो, एसईओ में हम देखते हैं कि अपनी साइट को रैंक कैसे करना है, और वर्डप्रेस में हम देखते हैं साइट बनती कैसे है। इसके साथ साथ हम देखते हैं वर्डप्रेस में साइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। आपको अगर कोई कहेगा कि भाई मुझे साइट का एसईओ करना है, तो आपको साइट का स्ट्रक्चर भी पता है, साइट बनती कैसे हुई है वो भी पता है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। लेट सपोज कोई आपके पास आता है और बोलता है कि आपको साइट बनानी भी है, एसईओ भी करना है, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम एसईओ प्लस वर्डप्रेस दोनों साथ लेके चलते हैं, राइट। इससे क्या होता है, हमें वेबसाइट का जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो होता है वो पता चल जाता है, और उसके अलावा उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो भी हमें पता चल जाता है, राइट। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एसईओ होता क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या चीजें हैं, हर एक चीज पढ़ेंगे। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये नहीं पता कि एसईओ, एसईओ मतलब होता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा ना सबको। तो एसईओ क्या होता है बेसिकली, देखो एसईओ एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है मतलब इसके अंदर जो है कुछ प्रोसेस आते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। तो एसईओ एक प्रोसेस है जिसमें हम सीखते हैं कि साइट की, हमारी वेबसाइट की रैंक को सर्च इंजन में इंप्रूव क्यों करें, कैसे करें, ठीक है। हमारी साइट की रैंकिंग को सर्च इंजन में हमें इंप्रूव कैसे करना है, इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि भाई करना क्यों है, करना इसलिए है क्योंकि यहां से हमें मिलती है फ्री क्वालिटी ट्रैफिक, क्वालिटी ट्रैफिक, ठीक है, जिससे हमें क्या होता है कि एड में पैसे, पेड एड्स में पैसे हमें स्पेंड नहीं करने पड़ते। सो फॉर दैट रीजन हम लोग क्या करते हैं कि एसईओ पे और ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब एसईओ स्टार्ट कहां से होता है, तो एसईओ समझने से पहले क्या होता है, कैसे करते हैं, हम डीप में जाने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई एसईओ किस चीज के लिए होता है। सर्च इंजन, अगर आप लिख रहे हो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका जो फर्स्ट दो वर्ड है, टू वर्ड्स,
क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सर्च इंजन, है ना, सर्च इंजन ही तो इंडिकेट कर रहे हैं. अब सर्च इंजन में ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइजेशन करें, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है. ठीक है, सो आप लोगों ने कॉमनली नाम सुना होगा, लाइक एज गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू, डक डक गो और बैडू, और इसके अलावा भी थाउजेंड सर्च इंजन है. लेकिन मार्केट शेयर कितना, किसका कितना है? तो अगर हम गूगल की बात करें, 70-80% मार्केट पे ये अकेला कब्जा करके बैठा है सर्च मार्केट पे. 10-15% सेकंड पे है. अब सेकंड, फर्स्ट सेकंड में भी बहुत डिफरेंस है, 70-80, 10-15. ठीक है, याहू में तो ये 2-5%, बहुत ज्यादा मैक्सिमम जाएगा 8%. ठीक है, हर साल का ये डेटा रिलीज होता है, इनका आप मान के चलो 0.5%, 1%. डक डक गो बेसिकली कहां पे यूज होता है? डार्क वेब पे सबसे ज्यादा. ठीक है, डार्क वेब पे डक डक गो यूज होता है. बैडू अगर हम देखें तो ये सिर्फ चाइना का सर्च इंजन है, चाइना में यूज होता है, क्योंकि चाइना में गूगल चलता नहीं है. गूगल की मोस्ट सर्विसेज जो है चाइना में वो बैन है. तो चाइना ने टेक्नोलॉजी में हर एक अपना अल्टरनेटिव बनाया हुआ है. ईमेल के लिए उनका अलग है, सर्च इंजन के लिए उनका अलग है, वहां की उनकी लोकल कंपनी है. इवन जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं, 80% फोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो एंड्रॉयड नहीं होते. रीजन है यूएस चाइना का कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, चाइना वालों को लगता है कि भाई एंड्रॉयड से ये हमें जो है वो ट्रैक कर रहे हैं. तो उनका अपना वहां लोकल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मोस्टली जो टेक कंपनीज हैं उनकी लोकल की है. ठीक है, तो बैक टू टॉपिक पे आते हैं कि सर्च इंजन होता क्या है. आपने नाम तो इन सबका सुना होगा. सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है कि इनके पास बिलियन में, ट्रिलियन में वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स का डेटा होता है. जैसे गूगल के पास ट्रिलियन में वेबसाइट्स का डेटा होता है. ठीक है, अब जब आप गूगल के पास जाते हैं, कोई क्वेरी करते हैं, क्वेरी करते हैं मतलब आप सर्च करते हैं कुछ भी, तो आपको वो थाउजेंड्स ऑफ जो अच्छी वेबसाइट्स होती हैं वो ढूंढ के दे देता है. राइट, अब अगर हम लोग गूगल पे चलते हैं और हम लोग कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, लेट सपोज हम लोग सर्च करते हैं, ये एक कीवर्ड है, मुझे SWOT एनालिसिस देखना है रेड बुल का, तो आप देखोगे यहां पे, अगर आप SERP में जाओगे तो यहां पे आप देखोगे IIDE और बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनसाइट, उसके बाद इन दिस एकेडमी, उसके बाद ईड्रॉ मैक्स, और ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी. ठीक है, MBA स्कूल. अब ये आपको वेबसाइट किस बेसिस पे देता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो रैंक कर रही है, इनके पीछे बेसिकली क्या होता है, कुछ एल्गोरिदम होता है, कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, जिसके बेसिस पे ये रैंक करती हैं. राइट, तो सर्च इंजन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होता है, एक डायरेक्टरी होती है, एक टूल होता है, जहां पे मिलियंस में, बिलियन में या ट्रिलियन में वेबसाइट्स होती हैं, और हम जब जाते हैं कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमें जो सबसे अच्छी वेबसाइट्स होती हैं उनको हमारे सामने वो SERP में, यानी सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन में दे देते हैं. राइट, अब अच्छी वेबसाइट तो बहुत कुछ हो सकती है. हो सकता है कोई एक वेबसाइट हो बहुत अच्छी बनी हो, गुड लुकिंग हो, यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, लेकिन उस पर क्या सेल हो रहा हो, कोई इलीगल ड्रग या कोई ऐसा इलीगल कंटेंट हो उस पर, तो क्या वो अच्छी वेबसाइट मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, वो कितनी भी अच्छी हो. तो अच्छी वेबसाइट का भी एक डेफिनेशन है, एक मीनिंग है सर्च इंजन के लिए. ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया सर्च इंजन क्या है. सर्च इंजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टूल है,
जहां पे आपको मिलियंस में वेबसाइट का डेटाबेस होता है, और जब भी आप कोई क्वेरी करते हैं तो जो मोस्ट रिलेवेंट, जो मोस्ट स्पेसिफिक वेबसाइट होती है उसको ये आपके सामने दे देता है विद इन अ सेकेंड। क्लियर है? अब आपको पता चल गया सर्च इंजन, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ये भी चीज कि इनके पास ये बिलियन में या ट्रिलियन में वेबसाइट्स आती कहां से है, है ना? ये वेबसाइट इनके पास आती कहां से है? तो देखो, उसके लिए क्या होता है कि सर्च इंजन का एक मॉडल होता है जो काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, कुछ हम इसको बॉट भी बोल सकते हैं, कुछ बॉट या क्रॉलर्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बॉट होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन भर इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है? वो दिन भर इंटरनेट पर घूमते रहते हैं, उनका काम ही है घूमना घूमना और डेटा कलेक्ट करना। अब ये जो बॉट है इनको हम बॉट भी बोलते हैं, स्पाइडर्स भी बोलते हैं, ठीक है, और क्रॉलर्स भी बोलते हैं। तो अगर कोई क्रॉलर्स बोल रहा है, बॉट बोल रहा है, गूगल बॉट, स्पाइडर्स बोल रहा है, दैट मीन्स ये वही, अब ये कुछ फिजिकल रोबोट नहीं होते या कोई इंसान नहीं होते, ठीक है, ये प्रोग्राम होते हैं। आपको ये चीज ध्यान देना है, ये प्रोग्राम होते हैं, इनका काम होता है दिन भर इंटरनेट पे घूमते रहना। ये आपको जो है इंटरनेट पे घूमते मिल जाएंगे दिन भर। अब ये फिजिकली आपको दिखेंगे नहीं यहां से कि भाई मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और ये इधर से एक बॉट निकला और ऐसे ऐसे घूमता हुआ चला गया, नहीं ऐसे नहीं घूमते, वो प्रोग्राम होते हैं। वो बेसिकली एज अ यूजर एजेंट आते हैं, वो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं बैकएंड में, ठीक है? तो हमें अभी उतना डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये काम कैसे करता है। तो इसको जैसे ही कोई नई वेबसाइट मिलती है, नई वेबसाइट इसको मिलती है, ये क्या करता है, उसको लेके आता है और डेटाबेस में स्टोर कर देता है कि ये मुझे एक नई वेबसाइट मिली। हर एक बॉट लाके अपनी वेबसाइट, एक डेटाबेस होता है उसमें लाके स्टोर कर देता है कि मुझे आज इतनी नई वेबसाइट्स मिली, स्टोर करके फिर वापस अपने काम पे लग जाता है, राइट? अब जब ये डेटा स्टोर हो जाता है तो अगेन सेकेंड प्रोग्राम की बारी आती है जिसको हम इंडेक्सर मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है? आगे हम थोड़ा देखेंगे उसको डिटेल में भी आने वाले क्लासेस में, तो जिसको हम इंडेक्सर मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंडेक्सर मॉड्यूल में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि कौन सी साइट अच्छी है, कौन सी साइट रैंकिंग के लिए ठीक ठाक है, किस साइट को इंडेक्स करना चाहिए, गूगल में शो करना चाहिए, किस साइट को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्सर मॉड्यूल से कुछ साइट्स जो होती हैं वो हटा दी जाती हैं और कुछ साइट्स फाइनल इंडेक्स हो जाती हैं गूगल में शो होने के लिए। इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वो गूगल में शो होने के लिए अप्रूव हो चुकी हैं, गूगल सर्च इंजन में वो अप्रूव हो चुकी हैं और वो शो हो रही हैं कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं है वो टॉप 10 में शो हो रही हूँ, है ना, हो सकता है वो टॉप 100 में शो हो रही हूँ, है ना, हो सकता है वो 150 पे हूँ, 200 पर हूँ, कुछ पता नहीं है, राइट? तो सिंपल क्या होता है, क्रॉलर होता है इनके पास, और ये एक दो नहीं होते, ये भी मिलियंस में होते हैं जो इंटरनेट पर घूमते रहते हैं और नई वेबसाइट ढूंढते रहते हैं, पुरानी वेबसाइट को चेक करते रहते हैं। इनका काम सिर्फ नई वेबसाइट को ढूंढना नहीं होता, इनका एक काम ये भी होता है कि पुरानी वेबसाइट्स को चेक करते हैं। लाइक है कि अगर आपने कुछ वेबसाइट पे अपडेट किया नया तो गूगल को कैसे पता चलेगा? तो ये आपकी वेबसाइट पे, लेट सपोज जो बॉट है वो आपकी गूगल बॉट या गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आ जाया, अब आज के बाद 3 दिन बाद आया, तो आज आया था तो आपकी वेबसाइट पे 2-3 पेज इसको दिखे थे। अब 3 दिन बाद आता है तो ये देखता है कि 5 पेज और ऐड हो गए हैं, ठीक है, 5 पेज और ऐड हो गए, तो ये क्या करेगा, इन 5 पेजों की डिटेल लेगा, वापस लाके इंडेक्सर मॉड्यूल को बताएगा कि इस वाली वेबसाइट में 5 पेज और आ गए, और अगेन इन पेजेस में अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो भी इनको पता होता है, वो भी इसको पता होता है, वो भी आके ये बताएगा अगेन कि इसमें एक नई इमेज ऐड कर दी गई है इस पेज पे, या इस पेज पे जो पहले टेक्स्ट था वो चेंज करके अभी ये कर दिया गया है। ये रियल टाइम रिपोर्ट लेके आपकी वेबसाइट से डायरेक्ट जाके इंडेक्सर मॉड्यूल में डेटा को स्टोर करता है।
फिर वहां से आगे का जो प्रोग्राम होता है वो अपना काम करता है। तो सिंपल ये होता है सर्च इंजन कैसे काम करते हैं उसका एक फ्लो। क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO पे। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि सर्च इंजन क्या है, कैसे काम करता है, राइट? अगर आपको ये नहीं पता होगा सर्च इंजन कैसे काम करता है तो आप SEO को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहां से स्टार्ट होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिक। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगेन बहुत बड़ा है, एक दिन में खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है। तो हम लोग हर एक चीज को स्टेप को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर जब हम लोग वर्डप्रेस पढ़ लेंगे तो फिर आपको हर एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो SEO देखो, अगर हम बात करें, कभी भी हम नई वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, या नई वेबसाइट बनाते हैं, तो क्या ये डे वन से गूगल में शो होना स्टार्ट हो जाती है? आंसर है नहीं। पहले हमें उस वेबसाइट को कंप्लीट करना होता है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करना होता है, ठीक है, उसके बाद हम इसको इंडेक्स करते हैं। अब अगर आपको ये लग रहा हो कि अभी जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि जो गूगल के बॉट होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो आपकी वेबसाइट को तो उनको पता चल जाना चाहिए आपकी अगर कोई वेबसाइट है, बट हमें बैठ के ये वेट नहीं करना है कि गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट तक आए, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो उसके अलावा हम क्या करते हैं, हम खुद ही जो है वो गूगल को बता देते हैं कि हमारी एक नई वेबसाइट ये है और इसको इंडेक्स कर लो। ठीक है, उसके बाद गूगल उस वेबसाइट को रिव्यू करता है और वो फाइनल चली जाती है इंडेक्सिंग के लिए। फिर अगले नेक्स्ट टू टू फाइव डेज में सब कुछ ठीक रहता है तो साइट इंडेक्स हो जाती है गूगल में। क्लियर है? ये एक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि हमें बैठ के वेट नहीं करना है। देखो, गूगल के क्रॉलर घूम तो रहे हैं इधर उधर, बट स्टिल क्या पता वो हमारी साइट तक ना आए। हमारी साइट तक अगर वो नहीं पहुंच पाएंगे तो इंडेक्स कैसे होगा? और लेट्स सपोज वो 2 महीने बाद आता है हमारी साइट पर। जो हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें अपनी वेबसाइट को शेयर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो बॉट होते हैं इनकी नजर में आए वेबसाइट, राइट? सो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैनुअली सबमिट कर देते हैं वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए, राइट? फिर आपकी जब वेबसाइट एक बार इंडेक्स हो जाती है, या आप इंडेक्स के पहले भी प्रोसेस कर सकते हैं, हम क्या करते हैं हम उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या होता है चीजें हम वन बाय वन करके देखेंगे। ऑप्टिमाइज करते हैं और उसी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं SEO। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को बताऊं तो हम लोग अपनी वेबसाइट को या किसी भी वेबसाइट को, ठीक है, जरूरी हम अपनी ही वेबसाइट कर रहे हो, हम लोग किसी भी वेबसाइट को सर्च इंजन में उसकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए
जो भी प्रोसेस करते हैं या जो भी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप फॉलो करते हैं उसको हम SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, अभी कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, परेशान नहीं होना है, अगर ना समझ में आए तो परेशान नहीं होना, आगे आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, हम जो करते हैं देखो हर एक चीज, ये जो चीजें है ना इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो इसमें परेशान नहीं होना है, ये चीजें क्या आ गई, ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, क्या है कैसे काम करता है हर एक चीज, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन करते हैं, कंटेंट क्रिएशन में ही आपका आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। उसके बाद हमारा आता है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, पेज लोडिंग टाइम कितना है, आपने कई कई साइट्स पर देखा होगा कि पेज लोडिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है फिर भी आप देख रहे हो साइट लोड होने में बहुत टाइम लगा रही है, और ऐसी साइट को गूगल रैंक नहीं करता है, प्रमोट नहीं करेगा गूगल। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, खासकर हमारे यहाँ की अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखोगे तो वो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होती है, रीजन क्या है अब ये एग्जैक्टली रीजन मुझे भी नहीं पता, बट स्टिल वो गवर्नमेंट वेबसाइट मोस्टली ऑप्टिमाइज नहीं होती है, और इन दैट केस गूगल उसको प्रमोट नहीं करता है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो वेबसाइट ओपन हो रही है मोबाइल में और डेस्कटॉप में, मोबाइल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वेबसाइट को जूम करके देखना पड़ रहा है हर एक चीज, वो किसी भी डिवाइस में उसको ओपन किया जाए उसी डिवाइस का साइज वो अडॉप्ट कर लेती है वेबसाइट, और उसी को हम बोलते हैं मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बैकलिंक बिल्डिंग, इसको भी हम अगेन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बैकलिंक बिल्डिंग क्या होता है, हमारी ये वेबसाइट्स है और ये कई दूसरे लोगों की वेबसाइट्स है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी वेबसाइट्स को, हमारी वेबसाइट को लिंक दे दिया है, लिंक दे दिया इन द सेंस कि इंटरलिंकिंग कर दी है एक तरीके से, इंटरलिंकिंग इसको नहीं बोल सकते बट इसको हम एक्सटर्नल लिंक बोल सकते हैं कि इन्होंने रेफरेंस दिया हमारी वेबसाइट को, और ये क्या होता है, ये पॉजिटिव साइन होता है गूगल के लिए। ठीक है, कि हाँ आपकी वेबसाइट को जो है वो लोग लिंक कर रहे हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट क्वालिटी है। ठीक है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट क्या होता है, देखो जैसे आपने अपनी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल डाला या पेज पब्लिश किया, ठीक है, अब आपने उसको क्या किया, सोशल मीडिया पे शेयर किया आपने, अब सोशल मीडिया पे आपने शेयर किया वहां पे क्या मिल रहा है आपको, लाइक कमेंट शेयर ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा लाइक कमेंट शेयर से कि इंगेजमेंट बढ़ेगी उस पोस्ट की, और गूगल या कोई भी सर्च इंजन होता है सोशल मीडिया इंगेजमेंट को पॉजिटिव लेता है। ठीक है, पॉजिटिव लेता है। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है कि लाइक एज आप किसी दूसरे की वेबसाइट पर जाते हो और आप बोलते हो कि मुझे जो है गेस्ट ब्लॉगिंग करनी है, यानी कि आप मान के चलो फिनांस में एक्सपर्ट हो, राइट, और आपने किसी दूसरी साइट को बोला कि जो है मैं फिनांस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख के दे रहा हूं आपको, और इसके बदले में मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक रेफरेंस दे देना, यानी कि लिंक दे देना, आप अपनी वेबसाइट से मुझे एक लिंक दे देना, राइट, तो यहां से भी आपको एक बैकलिंक मिलता है और इसी को हम बोलते हैं गेस्ट ब्लॉगिंग। अगेन ये हाई क्वालिटी का बैकलिंक होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज को। ठीक है, अभी ये सिर्फ कुछ पार्ट्स हैं जो हमने आपको बताए, कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं वन बाय वन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं। एक्टिविटीज मतलब एक तरीके से वर्क फ्लो, आप इसको वर्क फ्लो बोल सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वर्क फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके पास कोई वेबसाइट है जिसका SEO करना है तो आप ऐसे हवा में तीर तो चलाओगे नहीं, राइट, आप क्या करोगे, आप सबसे पहले SEO करना क्यों है आपको तो ये पता चलना चाहिए ना। अब सिंपल अगर आप ये आंसर देते हो कि भाई ट्रैफिक लाने के लिए SEO करना, तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। अगर आप SEO करने जा रहे हैं,
आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो आंसर कुछ अलग होगा। तो उसमें क्या होगा कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस गोल क्या है, हमें सेल्स लेके आनी है एसईओ से, लीड्स लेके आनी है, या फिर हमें ट्रैफिक लाना है, सिर्फ ट्रैफिक लाना है, अपॉइंटमेंट्स लानी है हमें, इसके अलावा स्टोर विजिट, बुकिंग, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा गोल क्या होना चाहिए या हमारा गोल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्लान करेंगे, राइट। तो जब हमारा गोल डिफाइन हो जाएगा, लेट सपोज हमें लीड जनरेशन करना है, फिर हम उसके बाद जाएंगे कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च मतलब क्या होता है, ये कोई साइंटिस्ट का काम नहीं होता, बट टाइप ऑफ रिसर्च ही होती है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम ऐसे कीवर्ड फाइंड करते हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, है ना, जो लोग इंटरनेट पे जाके सर्च कर रहे हैं। अगर हमें नहीं पता कि हमारे पास कुछ ऐसा कीवर्ड है या लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो हम कैसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। भाई हमें तो ये तो पता चल गया लीड जनरेशन करनी है, बट हमें ये नहीं पता कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च हो गया, अब हमें कीवर्ड भी मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लीड जनरेशन करना था किसके लिए, कार कंपनी के लिए। कार कंपनी मतलब एक कंपनी है, लाइक कार देखो या लाइक समथिंग लाइक दैट, उसके लिए हमें लीड जनरेशन करना था। हमने कीवर्ड सर्च किया, एक कीवर्ड हमने फाइंड किया, हाउ टू सेल माई ओल्ड कार, मान के चलो लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये कीवर्ड हमने फाइंड किया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ेगा। क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो ये रैंक नहीं करेगा। क्वालिटी कंटेंट के लिए हमें सारी चीजें, हम ये डीप में पढ़ने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ स्टेप्स, ये वर्कफ्लो जो है वो समझा रहा हूं। क्वालिटी कंटेंट में हमें क्या करना होता है, ऐसी क्वालिटी देनी होती है, ऐसा कंटेंट हमें राइट करना होता है या करवाना होता है अपनी टीम से, जिससे ये चीज क्लियर हो पाए कि यूजर क्यों सर्च कर रहा है, हाउ टू सेल माई ओल्ड कार, ये सर्च कर रहा है, दैट मीन्स यूजर ये सोच, यूजर के पास कोई पुरानी कार है, अपनी यूज्ड कार है, उसको सेल करना है, तो हमें एक कंप्लीट गाइड देनी होगी उसको, जितने भी स्टेप्स होते हैं, एक इजी लैंग्वेज में, है ना, उसी को हम बोलेंगे क्वालिटी कंटेंट। फिर इंटरनल लिंकिंग, लाइक जो है एक पेज को हम जो है अपने दूसरे पेज से लिंक कर देंगे, इससे क्या होगा, इससे अथॉरिटी और ट्रैफिक एक पेज से दूसरे पेज में पास होगी, ठीक है। अब जैसे आपने यहां पे एक आर्टिकल लिखा, हाउ टू सेल माई ओल्ड कार, यहां पे एक आर्टिकल आपने लिखा, हाउ टू गेट लोन ऑन यूज्ड कार, राइट। अब इंटेंशन तो यहां पे क्या है, सेल करने का इस वाले आर्टिकल में, राइट। अब सेल वो क्यों कर रहा है, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत हो, पहली प्राइमरी कंडीशन ये हो जाती है। तो अगर आपने यहीं पे इसी आर्टिकल में एक लिंक दे दिया कि आल्सो आल्सो रीड करके, आल्सो रीड आवर आर्टिकल अबाउट हाउ टू गेट अ लोन ऑन यूज्ड कार, तो ये भी हो सकता है ना कि वो उस आर्टिकल को भी जाके चेक करे, हो सकता है उसके माइंड में ये हो कि मुझे कार सेल करके पैसा लेना है, और इन केस सिर्फ अगर उसका पैसा होगा कि हाँ उसको पैसा ही चाहिए, पैसे की जरूरत है उसको, तो हो सकता है वो जाके आपका दूसरा आर्टिकल भी पढ़ेगा,
कि अगर बिना बेचे भी पैसा मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है ना। तो इसलिए इंटरनल लिंकिंग और रिलेवेंट इंटरनल लिंकिंग जरूरी है। उससे क्या होती है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होती है। और क्यों? क्योंकि इंगेजमेंट इंप्रूव होती है, और इंगेजमेंट इंप्रूव होगी तो रैंकिंग अपने आप ही इंप्रूव होगी। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग हमने देख लिया। फिर हमारा आ जाता है ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज ऑफ पेज मीन्स क्या होता है, देखो सिंपल वर्ड से हमें पता चल रहा है। ऑन पेज मतलब जो हम अपनी वेबसाइट पे कर रहे हैं, वेबसाइट के पेजेस पे जो हम कर रहे हैं वो हमारा ऑन पेज हो जाता है। और ऑफ पेज जो हम लोग अपनी वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं, राइट, वो हमारा ऑफ पेज हो जाता है। अब वेबसाइट के बाहर क्या करेंगे भाई, एसईओ के लिए वेबसाइट के अंदर ही कर सकते हैं, बाहर क्या कर सकते हैं? तो बाहर हम करते हैं सोशल फेयर, करते हैं लिंक बिल्डिंग, दूसरी वेबसाइट से लिंक लेके आते हैं, रैंकिंग फैक्टर है ना ये, ठीक है। और उसके बाद अदर एक्टिविटीज है लाइक सोशल बुकमार्किंग, राइट। तो हम लोग ऑन पेज और ऑफ पेज करते हैं। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमने ऑन पेज ऑफ पेज कर दिया, अब थोड़ी बहुत रैंकिंग आनी स्टार्ट भी हो गई, ठीक है। मान के चलो टॉप 50 में आ गया, 50वें नंबर पे हमारा हमारी वेबसाइट आ गई। अब उस केस में हमें क्या करना है, अब हमें कंपटीटर को एनालाइज करना पड़ेगा भाई। हम अगर एनालिसिस नहीं करेंगे कि हमारे कंपटीटर क्या कर रहे हैं तो उस केस में हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाएंगे। तो इन दैट केस हमें कंपटीशन देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा और उनके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, राइट। उसके बाद टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ में हम टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें पेज स्पीड हो जाती है। अगेन इसके अलावा स्ट्रक्चर डेटा हो जाता है, स्कीमा मार्कअप हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि हमें हमारा जो है टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है, लोकल एसईओ है, ई कॉमर्स है अगर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है कोई, या इंटरनेशनल एसईओ अगर आउट ऑफ इंडिया टारगेट है तो वो हमारा इंटरनेशनल एसईओ में आएगा। यूजर एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं, यूजर एक्सपीरियंस में हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली कि क्या क्या चीजें हैं जो यूजर को इशू आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यूजर जो है वो वेबसाइट को सही से देख नहीं पा रहा है, वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो रही है, राइट। यूजर आ रहा है और आने के तुरंत बाद ही वेबसाइट से आपके वापस चला जा रहा है, आर्टिकल नहीं पढ़ रहा है, वो सारी चीजें कैसे पता लगेंगी, उसके लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यूजर एक्सपीरियंस में। उसके बाद फिर आता है हमारा रैंक मॉनिटर और टॉप पर रैंक करने की स्ट्रेटेजी, ठीक है। देखो रैंक मॉनिटर क्या होता है कि हम इंप्रूवमेंट जो होती है हमारी, राइट, उसको हम मॉनिटर करते हैं। और उसके अलावा अगर हम लोग एक नंबर वन पे रैंक कर गए हैं तो ये भी बहुत टाइम तक नहीं होता, ठीक है, अगेन आपकी रैंक ड्रॉप होगी आगे चल के। उस चीज को हमें कैसे हैंडल करना होता है, उस चीज को हमें कैसे समझना होता है कि अगर हम टॉप पे रैंक कर गए हैं तो हमारी रैंकिंग वहीं की वहीं बनी रहे, क्योंकि जब तक आप टॉप पे नहीं रैंक कर रहे होते हो तब तक आप किसी की नजर में नहीं होते, और जिस दिन आप टॉप पे रैंक करने लग जाते हो किसी कीवर्ड पे तो आपके नीचे के जितने कंपटीटर होते हैं आप सबकी नजर में आ जाते हो, ठीक है। तो अगेन आप भी एसईओ कर रहे हो और कर तो वो भी रहे हैं, बैठे वो भी नहीं है, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट?
सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो, हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली भाई, गोल डिफाइन करना तो इजी है ना। फिर उसके बाद हमारा सबसे बड़ा पार्ट आता है कीवर्ड रिसर्च, राइट। तो कीवर्ड रिसर्च समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि कीवर्ड जो है ये होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी तो जरूरी है। अगर आपको नहीं पता कि कीवर्ड क्या है, अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूं हाउ टू सेल ओल्ड कार, या हाउ टू सेल माई ओल्ड कार, या हाउ टू बाय अ यूज्ड कार, समथिंग लाइक दैट, अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूं, दैट मीन्स मेरे लिए वो तो एक क्वेरी हुई, गूगल के लिए वो एक क्वेरी हुई, बट फॉर डिजिटल मार्केटर्स वो एक कीवर्ड हुआ, राइट। किसी भी सर्च इंजन पे कोई भी यूजर जब भी जाकर कोई क्वेरी करता है तो वही कीवर्ड होता है। अब अगर मैं सर्च कर रहा हूं पर्सनल लोन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो मुझे चाहिए, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मुझे चाहिए पर्सनल लोन। तो इस कीवर्ड को क्या मैं ऐसा सर्च कर सकता हूं क्या कि जो है समथिंग लाइक लोन से डिफरेंटली, मुझे मेरी रिक्वायरमेंट लोन की है, तो क्या मैं, मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है तो क्या मैं ये सर्च करने जाऊंगा गूगल पे कि हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू राइट अ रिज्यूमे, ये थोड़ी ना सर्च करने जाऊंगा मैं गूगल पे। भाई मुझे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो उसके लिए भी कुछ एक लिमिटेशंस होती है, लाइक कि यूजर उसी के आसपास सर्च कर सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, बेस्ट पर्सनल लोन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ये हो सकता है, ये सर्च कर सकता हूं मैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स पर्सनल लोन, राइट। How to get a loan for working professionals. So, एक जो है limitation है। अब अगर किसी को personal loan चाहिए working professional है तो ये जाके नहीं search करेगा How to get a job, right? So, हमें keyword कैसे पता चलता है, क्योंकि एक area होता है search करने का, ठीक है। तो जब कोई user किसी भी सर्च इंजन पर जाकर कोई भी क्वेरी करता है तो उसी क्वेरी को, उसके लिए वो क्वेरी होती है और हमारे लिए वो कीवर्ड होता है, सिंपल, उसी को हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड का एक तरीके से अगर देखा जाए तो मीनिंगफुल होता है वो, राइट। ऐसा नहीं कि जाके ऐसे कुछ भी लिख दिया उसने, ABCD EFG कुछ भी लिख दिया ऐसे, वो कीवर्ड हो गया, नहीं, सेंस निकलता है, एक मतलब होता है उस चीज का, वो होता है कीवर्ड, ठीक है। अब कीवर्ड के टाइप देखेंगे, जो कि अगेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PDF आप लोगों को मिल जाएगी, बट स्टिल अगर आप लोग नोट डाउन कर सकते हो तो आप कुछ चीजें नोट डाउन कर लेना, जो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं अपनी लैंग्वेज में आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, देखो बेसिकली एक से दो, अगर हम वर्ड काउंट की बात करें, वर्ड काउंट मतलब क्या, कोई आगे सर्च कर रहा है फ्री वेबसाइट, कोई आगे सर्च कर रहा है टेक न्यूज, या कोई आगे सर्च कर रहा है मान के चलो ट्रेवल, या समथिंग कुछ भी वो सर्च कर रहा है, वो बिजनेस न्यूज। तो ये बेसिकली क्या है, ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड एक से दो मैक्सिमम जो है
वो तीन हो सकते हैं वर्ड काउंट में, बट शॉर्टटेल कीवर्ड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर हम कंपटीशन देखें तो मोस्टली कंपटीशन इनका हाई होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि इंटेंशन, देखो इंटेंशन बहुत जरूरी है, इंटेंशन इनका क्लियर नहीं होता, ठीक है। क्लियर क्यों नहीं होता? अब अगर मैं सर्च कर रहा हूं फ्री वेबसाइट, भाई किस चीज की मैं फ्री वेबसाइट सर्च कर रहा हूं पता है क्या किसी को? मैं बोल रहा हूँ टेक न्यूज, टेक न्यूज में मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ? एआई के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, गैजेट्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई, नया सॉफ्टवेयर आया उसके बारे में पढ़ना चाहता हूँ। ट्रैवल, ट्रैवल से क्या क्लियर हो रहा है कि मैं तो अपने घर से निकल के मैं पड़ोस तक जाऊंगा, वो भी ट्रैवल ही हो गया एक तरीके से फिर, है ना। बिजनेस न्यूज, बिजनेस न्यूज में मुझे क्या पढ़ना है? शेयर मार्केट पढ़ना है, आईपीओ पढ़ना है, या फिर मुझे देखना है कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी डूब रही है, क्या चीजें पढ़नी है? क्लियर हो रहा है यहाँ सबसे? नहीं क्लियर हो रहा है एग्जैक्टली। अगर मैं टेक न्यूज बोलूंगा तो आप अगर डीप में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज को लेके कि टेक न्यूज में आखिर एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, राइट। तो इनका इंटेंशन क्लियर नहीं होता। अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो क्वालिटी कंटेंट बना नहीं सकते, और क्वालिटी कंटेंट नहीं बना सकते तो रैंकिंग कैसे आएगी? गूगल का जो पहला रूल है वो ये कहता है कि अगर आपको रैंकिंग चाहिए तो आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना है, आपको ऐसे कंटेंट बनाने हैं जो लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो जिस लिए सर्च कर रहे हैं उनका इंटेंशन जो है जो भी है वो फुलफिल होना चाहिए। अब आपको उनका इंटेंशन ही नहीं पता चल रहा है तो आप फुलफिल कैसे करोगे अपने कंटेंट को? और फॉर दैट रीजन ये कंपटीशन में थोड़े से हाई होते हैं, ये नॉर्मली टारगेट नहीं किए जाते हैं, ऑटोमेटिक जो रैंक हो जाते हैं और इंटेंशन इनका क्लियर नहीं होता है। तो अगर इंटेंशन क्लियर नहीं होता तो आप, आपका जो गोल है वो भी नहीं निकलेगा इससे। लाइक आप लीड जनरेशन के लिए देख रहे हो, अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है कीवर्ड का और आप लीड जनरेशन के लिए देख रहे हो तो ट्रैफिक हो सकता है आ जाए लेकिन लीड जनरेट आप नहीं कर पाओगे, इससे क्वालिटी लीड आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। अगेन ये 3 to start होते हैं, 3 to 8, 9 तक जाते हैं वर्ड काउंट में, ठीक है। वर्ड काउंट में ये 8 या 9 वर्ड्स तक हो सकते हैं। अगेन इसमें क्या होता है, इनका जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन नेचर में मीडियम होते हैं या लो होते हैं, ठीक है। इंटेंशन अगर आप देखोगे इनका तो वो क्लियर होता है, समझ में आता है। अब यहां पे अगर एसईओ देखें तो एसईओ का इंटेंशन क्लियर हो रहा है? नहीं भाई, एसईओ क्यों सर्च कर रहा है? एसईओ की जॉब देख रहा है, एसईओ के बारे में उसको पढ़ना है, एसईओ का कोर्स करना है, या वो एसईओ एक्सपर्ट है, एसईओ के बारे में न्यूज पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, यूजर नहीं क्लियर होगा उससे। बट अगर कोई उसी की जगह पे सर्च कर रहा है लोकल एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, इंटेंशन क्लियर हुआ, यूजर जो है वो लोकल एसईओ की सर्विस देख रहा है, वो भी कहां पे, दिल्ली लोकेशन में, राइट, इंटेंशन क्लियर हो गया। अफोर्डेबल फैमिली वेकेशन डेस्टिनेशंस, इसमें भी इंटेंशन क्लियर हो रहा है, फैमिली वेकेशन के लिए प्लान कर रहा है यूजर, और अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है, इंटेंशन क्लियर हो रहा है, अफोर्डेबल होना चाहिए, फैमिली वेकेशन डेस्टिनेशन पूछ रहा है, राइट। अब डेस्टिनेशन पूछ रहा है तो आप जब इसका कंटेंट बनाओगे, आपने टॉप 20 डेस्टिनेशन दे दिए, लिस्ट पूरी, राइट, और वो काउंट हो जाएगा आपका क्वालिटी कंटेंट में। अब सिंपल कॉमर्शियल कीवर्ड कौन से होते हैं? देखो कॉमर्शियल कीवर्ड में क्या होता है कि आपको सिंपल बाय, डील, डिस्काउंट, परचेज, इनका जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशन होता है परचेज का, परचेज या फिर ट्रांजैक्शन, तो इनको हम कॉमर्शियल कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। इनका जो इंटेंशन होगा, यूजर कुछ खरीदने की सोच रहा होगा या प्लान कर रहा होगा तभी वो सर्च करेगा बाय, है ना, डिस्काउंट, डील, ऑफर, राइट। फिर आता है हमारा सीट कीवर्ड। अगेन आपका सीट कीवर्ड जो है
आपके शॉर्ट टेल कीवर्ड के जैसा ही होता है, मच सिमिलर होता है, ठीक है। इसमें भी एक से दो वर्ड काउंट होते हैं टोटल, कंपटीशन नेचर में ये हाई होता है, इंटेंशन क्लियर नहीं होता, ठीक है, क्लियर नहीं होता इंटेंशन। अब जैसे कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च कर रहा है, इंटेंशन क्लियर नहीं है, बट टेक्नोलॉजी सीड कीवर्ड इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर आप देखने जाओगे तो आपको मिलियंस में कीवर्ड मिल जाएंगे। कैसे? अगर कोई सर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी में, मान के चलो गैजेट्स के बारे में, टेक अपडेट, कोई सॉफ्टवेयर, कुछ भी, अगर वो सर्च कर रहा है टेक्नोलॉजी में, तो कहां से निकले ये सारे कीवर्ड? टेक्नोलॉजी से ही निकले। अब फिटनेस, फिटनेस में भी आप देखने जाओगे तो लॉन्ग टेल में भी आपको जो है मिलियन में कीवर्ड मिल जाएंगे, है ना। लेकिन कहां से निकले हैं ये सीड कीवर्ड है, बेसिकली ये सारे कीवर्ड सीड नेचर के हैं। इंफॉर्मेशन कीवर्ड कौन से होते हैं? इनसे एक्चुअली जो यूजर है उसका इंटेंशन होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन जानना, ठीक है, और कुछ नहीं। वो जाएगा वेबसाइट पे, आर्टिकल को रीड करेगा और वापस चला जाएगा, सिंपल, रिटर्न और एग्जिट, इतना होता है उसका काम। क्लियर है? अब जैसे आप देखोगे हिस्ट्री ऑफ एफिल टावर, इसको क्या करना है? हिस्ट्री जाननी है, दैट्स इट, वो और कुछ नहीं करना चाहेगा। नेविगेशनल कीवर्ड कौन से होते हैं? देखो कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे, वेबसाइट पे ही जाते हैं। आप उन कीवर्ड पे रैंक भी कर जाओगे, नंबर वन पे रैंक कर रहे हो, फिर भी आपके पास ट्रैफिक जो है वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि वो नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं। जैसे एक तरीके का अगर आपको देखा जाए, फेसबुक लॉगिन, है ना। अब अगर आपने मान के चलो रैंक भी कर लिया, वैसे आप कर नहीं पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, बट लेट सपोज आपने फेसबुक लॉगिन पे अपनी वेबसाइट रैंक कर ली, www.abc.com, आपने ये रैंक कर ली। जब कोई फेसबुक लॉगिन सर्च करता है गूगल पे, टॉप पे www.abc.com आता है, तो क्या कोई इस पे क्लिक करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूजर तो डायरेक्टली सर्च कर रहा है कि उसको फेसबुक वाले लॉगिन पेज पे जाना है। फेसबुक का लॉगिन पेज अगर थर्ड नंबर पे भी होगा, थर्ड पे, तो भी यूजर थर्ड नंबर पे जाके क्लिक करेगा, फर्स्ट सेकंड वो इग्नोर कर देगा अगर कोई दूसरी साइट होगी। और यही रीजन है नेविगेशनल कीवर्ड में हमेशा जो जिस पे क्लिक होता है वही कीवर्ड टॉप पे होता है गूगल में। बट स्टिल अगर आप कोई भी कुछ भी लगा के आप इस पर रैंक भी कर जाते हो, ट्रैफिक जीरो होगी। और यही रीजन है हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, हम लोग इसको इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर आपको नेविगेशनल कीवर्ड मिल रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करो, इनसे दूर रहना है, हमें इनके पास भटकना भी नहीं है। अब कोई सर्च कर रहा है नाइकी ऑफिशियल वेबसाइट, अब नाइकी ऑफिशियल वेबसाइट कोई सर्च कर रहा है तो वो जाएगा नाइकी की ही वेबसाइट पे। आप टॉप पे रैंक कर जाओ, नाइकी फोर्थ पे चला जाए, फिफ्थ पे चला जाए, वो जाएगा नाइकी की ही वेबसाइट पे, क्योंकि उसका इंटेंशन क्लियर है भाई कि मुझे उसी वेबसाइट पे जाना है। तो हमें क्या करना होता है? हमें ऐसे कीवर्ड से दूर रहना होता है, राइट। अब आता है एक LSI कीवर्ड, ये होता है आपका लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है कि हम कीवर्ड के एक तरीके से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं और कुछ कीवर्ड से रिलेटेड लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, जैसे सीड कीवर्ड हमने देखा, तो उसमें क्या था? टेक्नोलॉजी। अब इसमें रिलेवेंट हम ले लेते हैं, एप्पल आईफोन 14 प्रो, राइट, टेक से रिलेटेड ही तो है ना। लेकिन अब ये क्या होता है, अब ये कीवर्ड अब ये मेथड काम नहीं करता। बस आपको इसलिए ध्यान रखना होता है कि LSI कीवर्ड से आपको
ये चीज पता रहे कि LSI कीवर्ड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अब इसका यूज नहीं करते, हम क्या करते थे, लाइक टेक्नोलॉजी पे हमने न्यूज लिखी है, हमने क्या किया, एक दो तीन कीवर्ड उठाया और हमने इसको फूटर में कंटेंट में लास्ट में ऐड कर लिया। आगे चल के हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगेन हमारा नेक्स्ट आता है सीजनल कीवर्ड। सीजनल कीवर्ड क्या होता है, वेट अ सेकंड, देखो सीजनल कीवर्ड लाइक कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही सर्च होते हैं। लाइक अगर आप कोई फेस्टिवल ले लो, होली, दिवाली, ईद, और इसके अलावा कोई भी आप फेस्टिवल ले लो, ठीक है, रक्षाबंधन, तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर दिवाली पे क्या लोग सर्च कर रहे होते हैं, दिवाली विशेष। अब दिवाली जाने के बाद कोई ये सर्च करता है? नहीं। तो ये क्या होता है, कब से स्टार्ट होता है, इवेंट के 5 से 8 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है ये, और इवेंट के +1 या +2 डेज तक चलता है। तो अब क्या हुआ, ये सीजनल कीवर्ड हुआ। भाई दिवाली विशेष कोई ये जनवरी में थोड़ी ना सर्च करेगा, है ना, होली विशेष कोई आके सितंबर में, और फिर आके ये अपने जून में जुलाई में थोड़ी ना कोई सर्च करेगा। रक्षाबंधन है, आने वाला होगा शायद अगस्त वगैरह में पड़ता है, है ना, तो एट दैट टाइम धीरे धीरे उस पर स्टार्ट होगा, ट्रैफिक स्टार्ट होगा। अब सेम है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जितने भी समर इक्विपमेंट्स होते हैं या गैजेट्स होते हैं, लाइक आप कुछ भी ले लो, एसी ले लो, फ्रीजर ले लो आप, है ना, तो आपको क्या लग रहा है कि जब विंटर्स आएंगी तो विंटर में कोई एसी सर्च करेगा, एक आध दो कोई होगा जो सर्च करेगा, है ना। अब आपको लग रहा हो कि समर में कोई हीटर सर्च करेगा या गीजर सर्च करेगा, नहीं। तो ये सब भी क्या है, सीजनल कीवर्ड है, राइट। अब जैसे क्रिसमस गिफ्ट आइडिया, क्रिसमस के आसपास ही सर्च होगा। समर वेकेशन डेस्टिनेशन, समर के आसपास ही सर्च होंगी, विंटर में तो कोई सर्च नहीं करेगा, राइट। तो इनपे क्या होता है, पर्टिकुलर एक टाइम के लिए ट्रैफिक होती है, उसके बाद ट्रैफिक नहीं होती है। अगेन हमारा है जियो टारगेटेड कीवर्ड। जियो टारगेटेड कीवर्ड में क्या होता है कि आपकी कीवर्ड में आपकी लोकेशन होती है, ठीक है। अब लाइक जो नियर मी है, तो नियर मी में भी एक लोकेशन है। मैं अगर करंटली नोएडा में हूं और मैं नियर मी सर्च कर रहा हूं, लाइक कार वॉश नियर मी, तो जो मुझे रिजल्ट आएगा वो +5-6 किलोमीटर के आसपास का आएगा, है ना। अब मैं नोएडा में बैठा हूं और मुझे मुंबई का कोई कार वॉश का ऐड आए, तो क्या मैं वहां विजिट करूंगा, यहां मैं दिल्ली NCR से मैं मुंबई जाऊंगा, नॉट पॉसिबल, राइट। सो इसमें क्या होता है, ये लोकल SEO में यूज होता है, ठीक है, और इसमें लोकेशन या प्लस नियर मी वर्ड ऐड होता है। अब लोकेशन जैसे लॉस एंजेलिस, राइट। अगेन हमारा आता है प्रोडक्ट कीवर्ड। इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, सिंपल ऑर्गेनिक शैम्पू प्रोडक्ट है, आईफोन 13 प्रो मैक्स प्रोडक्ट है, तो ये पर्टिकुलर ये कीवर्ड जो होते हैं वो किसी प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रांडेड कीवर्ड, अगेन ब्रांड नेम होता है, इससे भी हमें बचना होता है, ठीक है, लाइक कोका कोला, नाइकी शूज, तो नाइकी शूज है, कोका कोला है, ये क्या है, ब्रांड नेम है, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड है। आप इसका यूज भी अगर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। एक्शन कीवर्ड, एक्शन कीवर्ड में क्या होता है, बेसिकली यूजर जो है वो कोई एक्शन लेने वाला होता है, लाइक डाउनलोड हो गया,
सब्सक्राइब हो गया, गेम रहेगा, प्ले हो गया, मीडिया भी रहेगी तो प्ले, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यूजर कोई एक्शन लेगा लाइक डाउनलोड फ्री ईबुक, इसमें सिंपल क्या है, वो डाउनलोड ही करेगा। किसी ऐसी वेबसाइट पे अगर जाता है वो जहां पे डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है तो वापस आ जाएगा, वो वापस आके दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। तो आपके अगर कीवर्ड में डाउनलोड है तो आपको वो फाइल शेयर करनी पड़ेगी उसके साथ। अगर आप फाइल शेयर नहीं कर रहे हो तो आर्टिकल भी पढ़ेगा, आर्टिकल पढ़ने के बाद बाउंस रेट आपका भी इंक्रीज कर देगा, वापस आके दूसरी साइट पे चला जाएगा। और इससे गूगल समझ जाता है कि जो ये ढूंढ रहा है इसकी साइट पे मिली नहीं है, राइट। कीवर्ड रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है, अगेन देखो जब तक हमारे पास कीवर्ड नहीं है तब तक हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते। कीवर्ड ही की है एक तरीके से आपके लिए। अगर आप SEO में जा रहे हैं तो कीवर्ड सबसे पहली आपकी की होती है, वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। तो अगर कीवर्ड रिसर्च लाइक नहीं कर रहे हैं हम, तो हमारे पास जो है रैंकिंग तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने कोई कीवर्ड टारगेट ही नहीं किया, तो किस अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, स्ट्रेटेजी ही नहीं बनेगी, विजिबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी अगर हमने कीवर्ड टारगेट नहीं किया है, ठीक है। यूजर इंटेंशन अगर हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तो यूजर इंटेंशन हम समझ नहीं पाएंगे, और यूजर इंटेंशन अगर नहीं समझ पाएंगे है ना, उस केस में क्या होगा, क्वालिटी कंटेंट हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी कंटेंट अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो रैंकिंग तो हमें भूल ही जाना है फिर, राइट। अगर कीवर्ड हमें नहीं पता है, कीवर्ड हमने नहीं रिसर्च किया है, तो हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही तो कंटेंट ऑप्टिमाइज होता है। कीवर्ड से हमने देखा इंटेंशन, इंटेंशन से ही हमने कंटेंट ऑप्टिमाइज किया, और वही हो गया हमारा क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। कंपटीशन का हमें पता लगता है, बेसिकली कंपटीशन कितना है, राइट। उस अकॉर्डिंग हमें जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है उसी अकॉर्डिंग बनानी होती है, क्योंकि अगर कंपटीशन हाई है तो स्ट्रेटेजी भी उसी अकॉर्डिंग होगी, अगर कंपटीशन लो है तो हमारी जो SEO स्ट्रेटेजी होगी वो उसी अकॉर्डिंग होगी, राइट। इफेक्टिव कंटेंट क्रिएशन, अगेन इसका मतलब क्वालिटी कंटेंट से, ट्रैफिक क्वालिटी एंड कन्वर्जन। अगर कीवर्ड आपने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है, आपको कीवर्ड का आइडिया नहीं है, तो ट्रैफिक क्वालिटी जो है वो सही नहीं होने वाली है, ठीक है। और ट्रैफिक क्वालिटी सही नहीं होगी तो कन्वर्जन जो हमारा एंड गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या, कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च से, राइट। और कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, अब लेट सपोज आपने एक कीवर्ड टारगेट किया, ठीक है, बहुत इजी रैंकिंग है। मैं आपको यहीं पे एक डिफरेंस समझा देता हूं। सबसे पहले दो कीवर्ड है आपके पास, कीवर्ड वन और ये है कीवर्ड टू, ठीक है। आपने दो कीवर्ड टारगेट किया, दो कीवर्ड आपने लिया, ठीक है, आपने दो कीवर्ड लिया, एक पे ट्रैफिक है 1 लाख पर मंथ, ट्रैफिक मतलब विजिटर, 1 लाख पर मंथ एक पे विजिटर है, और एक पे है 500 विजिटर पर मंथ। अब ये जो है, ये वाला कीवर्ड है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। सेकंड वाला कीवर्ड जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब आपका जो इंटेंशन है वो है लीड जनरेशन का, आपको चाहिए लीड्स, ठीक है। अब 1 लाख की ट्रैफिक है, 1 लाख यूजर्स हैं पर मंथ आपकी वेबसाइट पे,
बट शॉर्ट टेल है, यूजर इंटेंशन क्लियर नहीं है, इसकी वजह से अब वो सर्च करके आ रहे हैं। आप मान के चलो इन दोनों कीवर्ड्स में हम देखते हैं, हम एक सर्विस दे रहे हैं एसईओ सर्विसेज, ठीक है, दोनों में, यहां भी यहां भी, तो यहां पे कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, यहां पे रैंक कर रहा है एसईओ कीवर्ड रैंक कर रहा है, और यहां पे जो लॉन्ग टेल में हमारा कीवर्ड रैंक कर रहा है वो रैंक कर रहा है एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, ठीक है। 1 लाख की ट्रैफिक आने के बाद भी आपका जो कन्वर्जन रेट होगा वो 0.5% टू 1% होगा, या इससे भी कम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कन्वर्जन आए ही ना, क्यों? क्योंकि यहां पे एसईओ का इंटेंशन क्लियर नहीं है, राइट। लेकिन अगर यही हम बात करें 500 विजिटर का एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, तो यहां पे क्या इंटेंशन क्लियर है भाई, वो एसईओ की सर्विस ही देख रहे हैं। 500 में से अगर बहुत मिनिमम में कन्वर्जन की बात करूं 500 विजिटर्स में से, तो 2 to 250 यूजर्स कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इधर अगर मैं बात करूं तो 1 लाख की ट्रैफिक हैंडल करने के लिए आपको एक हाई एंड सर्वर लेना पड़ेगा, राइट। अगेन यहां बात करूं 500 की ट्रैफिक हैंडल करने के लिए आप नॉर्मल होस्टिंग ले सकते हो, और हाई एंड सर्वर मतलब आप ये समझ लो कि हाई एंड सर्वर में आपका 35 to 40 के से स्टार्ट होता है, 1 लाख तक जाता है, ठीक है। और यहां पे 5K to 10K इजीली। अब प्रॉफिट कहां पे ज्यादा है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, राइट। हमें जो है वो अपना जो एंड गोल है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हमें फुलफिल करना है। हमें भीड़ बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, भीड़ बढ़ा के हम जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम और इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ कीवर्ड मैट्रिक्स है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम का मतलब होता है कि पर मंथ एवरेज ट्रैफिक, ठीक है, पर मंथ एवरेज ट्रैफिक है, ये चीज ध्यान देना। अगर सर्च वॉल्यूम में मान के चलो हमने कहा 1000 विजिटर, तो दैट मीन्स +200 -200 मीन्स ये 800 से लेके 1200 तक भी हो सकते हैं, इवन केसेस में ये 1500 तक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम मानते हैं जो सर्च वॉल्यूम होता है पर मंथ, एक ऑन एन एवरेज ट्रैफिक होता है। कीवर्ड डिफिकल्टी KD, ठीक है, ये 0 to 100 के बीच में होता है, 0 to 29, उसके बाद 30 to 79, 80 to 100, ये होता है लो, मिड और हाई, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये कीवर्ड मैट्रिक्स है। लो मीन्स आपका 0 to 29 हो जाता है, 30 to 79 मीन्स मिड हो जाता है, और 80 to 100 मीन्स हाई यानी टफ कंपटीशन, ये कंपटीशन है, लो कंपटीशन, मिड कंपटीशन और हाई कंपटीशन, ठीक है। ये होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। अगर हम कीवर्ड डिफिकल्टी की बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि इजी है, या फिर अगर हम बोल रहे हैं लो है, तो दैट मीन्स 0 to 29 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। अगर हम बोल रहे हैं मीडियम है यानी कि मिड, तो 30 to 79 के बीच में कहीं ना कहीं होगी। हाई बोल रहे हैं दैट मीन्स 80 to 100 के बीच में कहीं ना कहीं होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये चीजें जो है हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी हैक्टिक हो जाएंगे आपके लिए। CTR मतलब क्लिक थ्रो रेट होता है बेसिकली आपका, और कन्वर्जन रेट जो होता है, देखो क्लिक थ्रो रेट क्या होता है एक बार मैं बता दे रहा हूं, अगर नहीं समझ में आए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। गूगल में हम कोई चीज सर्च करते हैं तो इंप्रेशन आता है, यानी कि कोई देखता है। अब मैंने गूगल में कुछ सर्च किया, लेट सपोज
हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या अभी इसको हम हटा के सर्च करते हैं डीएनएस। अब देखो फर्स्ट पे साइट ग्राउंड आ रहा है, लेकिन अगर हम नीचे जाके देखेंगे तो और भी साइट्स आ रही हैं। दैट मीन्स ये इंप्रेशन तो आ गए इस पे, लेकिन क्लिक में साइट ग्राउंड पे मैंने किया तो इंप्रेशन तो इस पे भी काउंट होंगे ना, क्योंकि इनको भी मैंने देख लिया है ना। तो इसमें क्या होता है कि जितने इंप्रेशन होते हैं और उस पे जितने क्लिक आए होते हैं, लेट सपोज अगर 100 इंप्रेशन है तो क्लिक 10 ही आएंगे, ठीक है, या हो सकता है 100 इंप्रेशन है तो क्लिक 2 ही आएंगे। तो क्लिक का और इंप्रेशन का जो एक रेशियो होता है वो होता है हमारा क्लिक थ्रू रेट। लाइक 100 इंप्रेशन है, 100 लोगों ने देखा, 10 लोगों ने क्लिक किया, दैट मीन्स हमारा CTR 10% है, ठीक है। आगे इसको हम देखेंगे और डीप में, ठीक है, अभी कुछ चीजें हैं वो जब आप लोग पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगेन एक आता है SERP, आपको इसको भी ध्यान रखना है। कभी भी हम जब SERP बोलते हैं तो इसका मतलब होता है आपका सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन, ठीक है। अब जैसे यहां पे हम आगे देखते हैं SERP 1 में है ये। अब हमने पूछा कि भाई गोडैडी कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, SERP 3 में, थर्ड में है गोडैडी की। इस कीवर्ड पे गोडैडी की SERP क्या है, 3 है, ठीक है। तो सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन, अगेन बाउंस रेट क्या होता है, देखो बाउंस रेट और डेल टाइमिंग आपका सिंपल, कोई यूजर आया आपकी एक पेज पे, वो जो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला, वो बैक हो गया, वो बैक जाके आपकी वेबसाइट के जस्ट नीचे एक और वेबसाइट थी, उसने उस पर क्लिक कर दिया, उस पर चला गया, तो गूगल ये चीज समझ जाता है कि वो जो ढूंढ रहा था वो आपकी वेबसाइट पे नहीं मिला, और ये आपका होता है बाउंस रेट। अब कई रीजन हो सकती है इस चीज के, कई रीजन हो सकते हैं, लाइक पेज लोड होने में ज्यादा टाइम लग रहा हो, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली ना हो, इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस सही ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो चीजें हम कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे देखते हैं, आगे हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो क्लियर है सबको आज की क्लास, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।